कमाल किस्म का मैच हुआ, कमाल किस्म का। इंडिया ने बैटिंग की, इंडिया ने बॉलिंग की, साउथ अफ्रीका सिर्फ बॉलिंग करने आया था और साउथ अफ्रीका सिर्फ अपनी विकेट देने आया था। इंडिया इज अनस्टॉपेबल भाई, इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पर है। ये वो टीम है दोस्तों जिससे दुनिया डर रही है, जिससे दुनिया डर रही है। 243 रन से जीत हासिल की आज इंडिया ने वर्सेस दिस साउथ अफ्रीका, जिस साउथ अफ्रीका को हराना मुश्किल, जिस साउथ अफ्रीका को हैंडल करना मुश्किल। भाई 243 रन, अनबिलीवेबल भाई, 243 रन से बबुम्बे को फाड़ दिया भाई। तो इंडिया की ये मिसाल है कि अपुन जो है वो चांद के ऊपर मौजूद है, तुम लोग सब नीचे बैठे हुए हो। यार क्या कमाल किस्म का इंडिया खेल रहा है, कमाल किस्म की बैटिंग हो रही है, कमाल किस्म का बॉलिंग डिस्प्ले हो रहा है। भाई इंडिया ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो फिर इल्जामात लगेंगे। इतना जल्दी जल्दी आउट ना करो, बड़े बड़े नामों को जलील मत करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों इतना जल्दी साउथ अफ्रीका के साथ गेम खत्म हो जाएगा वो तो अंदाजा ही नहीं था कि भाई ऐसा खेलेगा। मतलब इस हिसाब से जितना भी हर टीम मानते हैं कि स्पिनर को मदद मिल रही है, पिच अच्छा है, अपने भारतीय बॉलर्स अच्छे हैं, लेकिन भाई इतना भी साउथ अफ्रीका की बैटिंग खराब नहीं हो सकती है जिस हिसाब से आउट हुआ। तो एक चीज़ तो हो गया क्लियर कि भाई अब अपने इस बॉलर वर्ल्ड कप में जो खेल रहे हैं इनका मुकाबला किसी भी कंट्री के बॉलरों से नहीं है, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया। और दूसरी तरफ भाई अब पाकिस्तान तो ये सोच में पड़ गया कि भाई अब जाके भी फिर एक बार इंडिया से जलील होना पड़ेगा, क्योंकि इस हिसाब से जो खेल रहा है तो आगे क्या होने वाला है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, वो तो आपको रिएक्शन देकर पता चलेगा। तो चलिए देखने का, सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो एंड में। और ऐसा वैसा ट्रम्बल किया कि मतलब ठीक है कंडीशंस मुश्किल थी, इंडिया के बैटर्स ने भी टाइम दिया, मगर जिस तरह रोहित शर्मा ने शुरुआत की, रोहित शर्मा ने दिखाया कि ठीक है मुश्किल हो या कुछ भी हो, मैं तो जल्दी जल्दी रन करूंगा चाहे विकेट गिरे, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरे आगे आने वाले बैटर जो है वो संभाल लेंगे। और बाकी क्या संभाला आगे आने वाले बैटर। कांग्रेचुलेशंस भाई, बधाई हो यार। बस अब मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं अपनी टीम की तरफ से। भाई बाकी टीमों का मुझे नहीं पता वो कितने बड़े हड हराम है जो भी करते हैं, हम अपनी टीम की तरफ से कहना चाहता हूं भाई हम जॉब छोड़ दें क्या? बता दो। फिर कुछ पाकिस्तान में लोग बैठे हैं वो बोलते हैं कि इंडिया दूसरी बॉल यूज करता है, बॉल के अंदर डिवाइस यूज करता है, स्टेडियम में लाइट बंद हो जाती है। पाकिस्तानी लेजेंड्स जो है वो वसीम अकरम ये सब फिर जलील करते हैं। ऐसे मत करो यार, ये क्या कर रहा है इंडिया? नहीं, अनस्टॉपेबल इंडिया भाई, वर्ल्ड कप में 8 मैच खेले हैं, 8 जीते लिए हैं, एक भी मैच में मुकाबला ही नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका के इतने बड़े बड़े नाम अली, डेविड मिलर, वांडर डूसन, कॉन्टन डीकॉक, मार्करम, लार्सन, डीकॉक, भाई क्या क्या नाम है, एक एक वो टीम है जिसने 400 मारे। ऐसा लगा है कि भारतीय गेंदबाज एक एक को बबूदर करके रख दिया। रविंद्र जडेजा अनप्लेएबल, मोहम्मद शमी अनप्लेएबल, जसप्रीत बुमराह अनप्लेएबल, इसके बाद मोहम्मद सिराज अनप्लेएबल। क्या कमाल बॉलिंग है भाई इंडिया की, बॉलिंग वर्ल्ड क्लास नहीं, दुनिया की वर्ल्ड कप की तारीख, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसी बॉलिंग देखने को आज तक नहीं मिली। ऐसा बॉलिंग अटैक कोई भी ड्रीम होगा किसी भी कप्तान के लिए, इतनी डोमिनेंस किसी भी टीम को इन्होंने नहीं छोड़ा। आज 8वां मुकाबला, 8 विक्ट्री, सबसे अवेटेड मुकाबला इंडिया साउथ अफ्रीका, सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप को आज क्रम्बल कर दिया। और उन निकालो उन सारों को बाहर जो बोल रहे थे विराट कोहली ने सेल्फिश इनिंग्स खेली है, बेटा मैंने आपको बोला था इंतजार कीजिए, बड़ों से बहस नहीं करते, इंतजार कीजिए सेकंड इनिंग्स को कंक्लूड होने का, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। सो जलने वालों के लिए और मिर्चें कि इंडिया 243 से तो जीता ही जीता, लेकिन विराट कोहली की जो सेंचुरी थी वो 49th ODI सेंचुरी को जो फीका करना चाह रहे थे सेल्फिश का टैग लगा के, दूध का और पानी दोनों की मिलावट और दोनों को भाव सारे बच्चों को, अच्छे बच्चों को पता चल चुका होगा। सो देखें जी, विराट कोहली से जलना मत बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई फायदा, बल्कि काम करें आप लोग जलते रहें, क्योंकि आप लोग जलते रहते हैं उसकी हंगर बढ़ती रहती है और वो खामोशी से एक के बाद एक, अभी तो आपने 50th ODI सेंचुरी भी देखनी है, अभी कुछ अगले तीन मैचों के अंदर। ये पिच वो पिच नहीं है, ये 326 रन आम पिच पे 400 रन है। अगर गस गस आप देखे वो वाइडो पे वाइडे हो रही है शमसी की, 17-18 वाइडे है, क्यों है? बॉल इतना निकल रहा है, इतना ब्रेक हो रहा है। तो भाईजान अगर ये कोहली भी आउट हो जाता, माना थोड़ी सी सुस्त है, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन जडेजा पे लोगों को भरोसा नहीं था, वो तो स्कोर ही नहीं करता। आज उसने 15 बॉलों में 29 ठोक दिया।
यंगसन के ऊपर नीचे चौके मार दिए, छक्के मार दिए, ये तो कमाल ही कर दिया। सबको हैरान परेशान, मोहम्मद शमी अपने आप में नंबर वन। इतना हेल्दी कॉम्पिटिशन, हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से आउट हो गया, लेकिन टीम इंडिया को पौका फर्क पड़ता है, उनको बाबा जी का थुल्लू फर्क पड़ता है। इस टाइम इंडिया इंडिया पॉइंट्स टेबल पे तो टॉप पे है, पता नहीं अपना ही लड़ने हैं, नीचे कोई है ही नहीं नीचे खेलने वाला। ये 8 खेले 8 जीते, सिर्फ नेदरलैंड से रह गया मैच, और एक भी पूरे वर्ल्ड कप में शिकस्त नहीं। शिकस्त तो छोड़ो भाई, वर्ल्ड कप में कोई एक टक्कर की टीम तो मिलती भाई, कोई मुकाबला तो करता नहीं, यहाँ तो मुकाबला ही नहीं हुआ। लोग बोल रहे थे विराट कोहली को कि विराट कोहली ने डिफेंसिव इनिंग खेली है, विराट कोहली ने टीम का नहीं सोचा, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई है, कुछ ट्रेंड मतलब जो हिटर्स है वो बनाकर रखते हैं, तो इसके ऊपर उनको भी चपेट पड़ी और चपेट मारी इंडिया की बॉलिंग ने। चल निकल इधर से, मेरे मुंह से कुछ सुनेगा कि भाई ये पिच थी इतनी खतरनाक, ये पिच थी इतनी स्लो कि 326 रन है, ये इधर 450 के बराबर रन है। ये टीम को देखने में मजा आ रहा है। अब जो इंडिया वाले हैं, मैं तो उनसे थोड़ा सा जेलस हूं कि अगर मेरी होम टीम ऐसा खेल रही होती तो होम फैंस को इस वक्त जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट तो हम रिलेट भी नहीं कर सकते। तो इस वक्त मैं थोड़ा सा इंडियन फैन से जेलस हूं अपने सारे भाई और बहनों से, क्योंकि इनकी टीम सवेरा सिर्फ खतरनाक क्रिकेट नहीं खेल रही, आइकॉनिक क्रिकेट खेल रही है, डोमिनेंट क्रिकेट खेल रही है, और ऐसी क्रिकेट खेल रही है कि जलने वाले जितना जलते रहें, दे आर शटिंग एवरीवन डाउन गेम आफ्टर गेम। और इंडिया की बॉलिंग की खासियत एक आज आपको बता दूं कि पावर प्ले में आज हिलने नहीं दिया इन्होंने साउथ अफ्रीका को, लेकिन 8 मुकाबलों में आज इफ यू गो बैक टू द पाकिस्तान मैच तो पाकिस्तान का पावर प्ले काफी डिसेंट था बाकी टीमों के मुकाबलों में। सो आप खुद सोच लें, जो टीम 155 कुछ पे आउट हो गई वो डिसेंट इनफ लग रही थी, इन्होंने बाकियों के साथ क्या किया है, और आज साउथ अफ्रीका के साथ। ये बबुम्बे को यार यकीन करो, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैच देख रहा हूं मेरे को लगा यार ये मजाक हो रहा है, फिर दोबारा से जाके वो गूगल करके देख रहा हूँ, गूगल में भी वही दिखा रहा है, मेरे को यकीन नहीं आ रहा है। अपने दिमाग पे देखो, गूगल पे भी देख रहा हूँ, लाइव भी देख रहा हूँ, अब भी मेरे को यकीन नहीं आ रहा है। ये हो क्या रहा है भाई, ये आखिर हो क्या रहा है भाई, ये क्या है यार बबुम्बे यार। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, क्या भाई हिंदुस्तान की टीम के लिए ना भाई, भाई एक पांव से सलूट भाई, एक पांव से। जिस हिसाब से बॉलिंग हुई है, फील्डिंग हुई है, बल्लेबाजी में बहुत एक मैच्योरिटी होता है ना, कि जिस हिसाब से विकेट गिरा रोहित शर्मा का, लेकिन सबसे अच्छा स्टार्ट मिला अपने को कि भाई अपना सबसे 10 ओवर में 91 रन बन गया था एक विकेट के नुकसान पे, ये सबसे ये बेहतरीन था एक कि अच्छा, मतलब शुरू में जो भी पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल हुआ, उसके बाद से धीरे 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 अपना करके रन को बढ़ाया गया, तो एक अच्छा सोच था। और पता ही है कि चेजिंग में भी ऐसे ही इंडिया टीम करती है कि भाई धीरे 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 करके अपना टारगेट को अचीव करती है, और यहाँ भी वही हुआ। और बाकी साउथ अफ्रीका का पता ही है भाई, चेजिंग में कितने मास्टर है वो लोग, कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ा नहीं, आज तो खैर वैसे भी बहुत प्रेशर था, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता नहीं है कि ये लोग लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन अपना भारतीय बॉलरों का भाई मानना पड़ेगा कि जिस हिसाब से उन्होंने एकदम सटीक बॉलिंग की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक ले जाए।